दोस्तों, आज हम रॉयल्टी के अंतर्गत पार्शियल रिक्रूटमेंट का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसमें किस तरीके से टेबल मेकिंग होगी और आपके किस तरीके से इसका लैंडलॉर्ड अकाउंट और इसके अंतर्गत आपके जो अकाउंट मेकिंग किए जाएंगे, रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट किस तरीके से मेकिंग किए जाएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस को देखते हैं। एंट्रीज वगैरह वैसे ही रहेंगी जैसे कि मैं आपके अपने प्रीवियस वीडियोस के अंतर्गत बता चुका हूँ, राइट? तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द 1 जनवरी 2005, नानक राम एक्वायर्ड ऑन लीज सर्टेन फील्ड्स ऑफ अ कोल एट अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹24,000 पर एनम, मर्जिंग इन टू अ रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन ऑफ कोल टेकिंग आउट। द शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर कैन बी रिकूव इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स ओनली, यानी हर साल की शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 साल तक रिकवर कर सकते हैं, बट ऑन द कंडीशन दैट इफ फुल शॉर्ट वर्किंग कुड नॉट बी रिकवर, अगर नेक्स्ट ईयर में अगर हम पूरी की पूरी शॉर्ट वर्किंग को रिकवर नहीं कर पाते हैं तो नानक राम विल लूज हिज राइट टू रिकवर 50% ऑफ द अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जो भी अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग होगा उसका 50% रिकवर कर देगी, पावर खत्म हो जाएगी और उसको हम URSW में ट्रांसफर कर देंगे, राइट? देन उसके बाद ये द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट 4 ईयर वॉज 6,000, 15,000, 30,000 एंड 28,000 है द प्रिपेयर शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड रॉयल्टी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नानक राम, राइट? तो हम लोग अब इसकी टेबल को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है 2005, 6, 7, 8 जो हमारे ईयर हैं उसके ईयर वाइज हम लोगों ने इसमें लिख दिया। आउटपुट है हमारा 6,000, 15,000, 30,000, 28,000। इसके बाद हमारा रॉयल्टी का रेट 1 रुपीज़ है, तो 6,000, 15,000, 30,000, 28,000 मिनिमम रेंट हमें क्वेश्चंस में गिवन है। मिनिमम रेंट हमारा क्वेश्चन में गिवन है 24,000 और रॉयल्टी का रेट हमारा 1 रुपी, ठीक है? 24,000 रुपीज़ हमने मिनिमम रेंट पे लिख दिया। फिर शॉर्ट वर्किंग में से रॉयल्टी में से हमने मिनिमम रेंट को माइनस करते, तो पहले साल शॉर्ट वर्किंग आ रही 18,000 की, नेक्स्ट ईयर 19,000 की शॉर्ट वर्क 9,000 की शॉर्ट वर्किंग आ रही है, फिर हमारा 6,000 का सरप्लस एंड देन 4,000 का सरप्लस आ गया, राइट? प्लस में आए तो सरप्लस, माइनस में जाए तो शॉर्ट वर्किंग हो गई। अब शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने की पावर है हर साल की शॉर्ट वर्किंग को, नेक्स्ट 2 ईयर हर साल की शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 साल तक हम रिकवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्ट मतलब यानी कि इस साल जो 18,000 वाली जो शॉर्ट वर्किंग है हमारी, इसको हम 1, 2 यहाँ तक रिकवर कर सकते हैं, यहाँ तक रिकवर कर लेंगे, ठीक है? 1, 2 यहाँ तक, ठीक है? अब लेकिन अगर अगले साल तक रिकवर नहीं कर पाते, अगर हम यानी 2005 की शॉर्ट वर्किंग को अगर 2006 तक 100% रिकवर नहीं कर पाते, 18,000 को हम 100% रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो इसका 50% रिकवर करने की पावर ख़त्म हो जाती है। तो 18,000 का 50% कितना होता है? 18,000 का 50% रिकवर करने की पावर ख़त्म, यानी कि 9,000 हमारा रिकवर करने की पावर ख़त्म होगी, हम इसको URSW में ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट? अब बचे कितने यहाँ पे? 9,000। 18,000 में से 9,000 तो हमने ट्रांसफ़र कर दी, बचे कितने? 9,000। 9,000 को हम रिकवर करेंगे, 6,000 हमारा हमने रिकवर कर लिया, 6,000 हमने रिकवर कर लिया। बचे हमारे पास अब कितने? 3,000 का शॉर्ट वर्किंग बची, टाइम ख़त्म हो गया क्योंकि 2 साल तक रिकवर कर सकते थे, अब 6,000 को रिकवर नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ हमने ₹3,000 URSW में ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट? इसके बाद अगली बार एक नंबर आएगा, 2006 में भी शॉर्ट वर्किंग आ रही है, इसको भी हम कहाँ तक रिकवर कर सकते हैं? 1, 2 यहाँ तक रिकवर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसको हम नेक्स्ट ईयर में रिकवर नहीं कर पा रहे क्योंकि सरप्लस ही नहीं है, तो रिकवर हम करने की है लेकिन ख़त्म हो चुका है, सरप्लस है लेकिन रिकवर नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो इसका भी 50% राइट रिकवर करने की पावर ख़त्म हो जाएगी। तो 9,000 का 50% कितना हुआ? 9,000 का 50% हमारा आ जाएगा ₹4,500 रिकवर करने की पावर ख़त्म हो गई। तो अब पहले हमने 3 ईयर ट्रांसफ़र करे थे प्लस 4,500, यानी कि टोटल मिलाकर हमारा जो ट्रांसफ़र होगा वो ₹7,500 ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ₹3,000 ऊपर वाले इसमें और 4,500 इस वाले के, तो ₹7,500 हमारे इस तरीके से ट्रांसफ़र किए जाएंगे, राइट? अब आते हैं 9,000 में 6,000 रिकवर, अब 9,000 को हम कहाँ तक, 9,000 तो यहाँ नहीं रहे, यहाँ पे रह के 4,500, क्योंकि 4,500 तो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, अब बचे कितने? 4,500, 4,500 में से 4,000 हमने रिकवर कर लिए, 4,000 रिकवर कर लिए, टाइम ख़त्म, ₹500 को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे URSW में, ठीक है?
तो इसके अंतर्गत हमारा पार्शल रिकूपमेंट है। पार्शल रिकूपमेंट में हमने ये चीज़ सीखी कि अगर नेक्स्ट डे तक रिकवर नहीं करते तो 50% रिकवर करने की पावर खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे 50% रिकवर करने की पावर, पहले 18,000 का 50% 9,000 रुपये रिकवर करने की पावर खत्म हो गई, बचे 9,000। 9,000 में से 6,000 रिकवर करे, 3,000 रुपये को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। सिमिलरली 2,006 की शॉर्ट सर्किट को भी हम रिकवर नहीं कर पा रहे नेक्स्ट ईयर में, तो 4,500 प्लस 3,000 7,500 यहाँ ट्रांसफर करे। देन इसके बाद बचे 4,500, 4,500 4,000 को रिकवर कर लिया और 500 को URSW में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब आता है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट हम पेमेंट करते ही हैं, हर बार पेमेंट कर दिया, और रॉयल्टी को हमने P&L में ट्रांसफर भी कर दिया। क्लियर, हम देखते हैं अब इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट, तो सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में हम लोग देखते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट। सबसे पहले पहले साल की शॉर्ट वर्किंग हमारी कितनी आ रही है, 18,000। यहाँ बैलेंस आ गया, हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, वो भी 18,000 फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर की हमारी क्वेश्चन चल रहा है। राइट, इसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर हमने बैलेंस को नोट किया। राइट, नेक्स्ट ईयर में भी 9,000 की शॉर्ट वर्किंग है। नेक्स्ट ईयर में हमारी शॉर्ट वर्किंग है हमारी 9,000 की, तो हमने 9,000 रुपीज़ लिखा। P&L में ट्रांसफर किया है हमने सेकेंड ईयर में, 22nd ईयर के अंदर P&L में हमने ट्रांसफर किया 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिए। एंड देन बैलेंस बचता है हमारा, टोटल हुआ 27,000। 27,000 तो बैलेंस हमारा रिमेनिंग बचेगा 18,000 रुपीज़। राइट, अब हम लोग फिर से 18,000 को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। इस साल हमने रिकवर किया है, इस साल हमने कितना रिकवर किया थर्ड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर में हमने रिकवरी की है 6,000 की। P&L में भी ट्रांसफर किया 7,500, P&L में ट्रांसफर किया हमने 7,500, और बाकी बैलेंस बचा, बैलेंस हमारा बचा है 4,500 का। ठीक है, 18,000 18,000 राइट। अब इसमें 4,500 हम लोग नेक्स्ट ईयर बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। इस साल हमने रिकवर किया है 4,000 रुपीज़ की शॉर्ट वर्किंग को, 4,000 की शॉर्ट वर्किंग को हमने रिकवर किया। देन बाकी 500 को P&L में ट्रांसफर कर दिया, तो बाकी 500 को हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया, तो हमारा यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 4,500। राइट, इसके बाद हम लोग देखते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट के अंतर्गत पहली एंट्री हमारी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड 24,000, 18,000 की रॉयल्टी, रॉयल्टी 6,000 की, शॉर्ट वर्किंग 18,000, T24,000 टोटल आ गया। फिर हमने इसका पेमेंट कर दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 24,000 रुपीज़। राइट, नेक्स्ट फिर से सेकेंड ईयर में हमारे पास रॉयल्टी थी 15,000 और शॉर्ट वर्किंग है 9,000 रुपये की। रॉयल्टी 15,000, शॉर्ट वर्किंग 9,000, और फिर हमने लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया 24,000, टोटल आ गया हमारा 24,000। क्लियर, थर्ड ईयर में हमारी रॉयल्टी है, थर्ड ईयर में हमारी रॉयल्टी है 30,000 की और पेमेंट है 24,000 का, 6,000 रिकवर कर लिए, तो रॉयल्टी हमारी 24,000 की, सॉरी 30,000 की, रॉयल्टी रिकवर करें हमने 6,000,
और पेमेंट किया 24,000 का। थर्टी थाउजेंड। क्लियर। देन अगेन फोर्थ ईयर में हमारे पास हमारी रॉयल्टी है 28,000 की। शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे 4,000। राइट, ये हमारा रॉयल्टी अकाउंट था, सॉरी ये हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, हम लोगों ने लैंडलॉर्ड अकाउंट मेकिंग किया, शॉर्ट वर्किंग हो गया, लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया। अब हम रॉयल्टी अकाउंट को देखते हैं। पहले साल रॉयल्टी थी हमारी 6,000, पी एंड एल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया 6,000। नेक्स्ट ईयर की रॉयल्टी थी हमारी 15,000, पी एंड एल में भी हमने इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया। फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, अब की बार रॉयल्टी थी हमारी 30,000, पी एंड एल में भी 30,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर 28,000 रॉयल्टी थी और पी एंड एल में हमने 28,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए। राइट, आज हम लोगों ने डिस्कस किया पार्शियल रिक्रूपमेंट का टॉपिक। होपली आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसका हमने शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट भी बनाना सीखा। होपली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।